हाय फ्रेंड, वेलकम टू फैन रिएक्ट। सो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं सलमान से की मूवी हम दिल दे चुके सनम, और ये इसका पार्ट नंबर 5 बन रहा है। जी, इसके हमने 4 पार्ट देख लिए। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो जाकर देखें, काफी ज्यादा अच्छी मूवी है। देखने को बहुत मजे की है और लुक वाइज बहुत ही ज्यादा क्यूट और प्यारे सलमान सर और उसके बाद ऐश्वर्या राय मैम बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। मिस वर्ल्ड ऐसे नहीं, हाँ। मिस वर्ल्ड हाँ भाई, वो मतलब बात मतलब बोली ना सलमान साहब ने, तब बहुत अच्छा लगा। और यार इसके पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 तक हमने कर रखे हैं, जाए देखिए। बहुत ही ज्यादा अच्छी मूवी है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल मूवी है, और ये होने वाला है इस मूवी का पार्ट नंबर 5। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप रिक्वेस्ट है, स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा हमारे साथ मूवी के इस पार्ट को, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो पार्ट नंबर 5 जल्द से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। कहना चाहे जुबान तुमसे ये वो कहती है। आँखों की शर्मो हया माफ हो, तुम्हें देख के छुपती है। लबों पे लगा लूं, हाँ चंदा और सूरज की नजरों से तुमको बचा लूं, पलकों की चिलमन में आओ मैं तुमको छुपा लूं, ख्यालों की ये शोखियां माफ सोचती है जब होश में होता है जहां मदहोश ये करती है। जी ही
अच्छा इन दोनों में से जिसको देखो ना दिल करता है इस पे कैमरा रुक जाए बस हाँ ना। इतना ज्यादा प्यारे लग रहे हैं दोनों। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ़ करो शर्म नहीं आती ऐसे करते हुए। हाय नंदिनी सुनो तो। मुझे कुछ नहीं सुना, एक तो सबके बीच मेरी फोटो बिगाड़ दी। क्यों मुझे नंदी बैल की तरह मानने आती हो? मैं तो मजाक कर रहा था। ओ शिट आई थिंक शी इज अपसेट। ओके तुम जानना चाहती थी मैं तुमसे क्या कहने वाला था कल? कल रात तो बताया नहीं, अब इतने सारे लोगों के बीच में सॉरी। बोले दो ना। अरे सुनो बोले दो ना मुझे प्लीज। अरे इधर 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 प्लीज इधर बोले दो प्लीज प्लीज बोले दो ना प्लीज 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 प्लीज। दरवाजा खोलो। कितनी बार माफी मांगू मैं, शाम हो चुकी है, प्लीज गुस्सा छोड़ दो। वहाँ इतने सारे लोगों के सामने ही तुम, कोई देख लेता तो क्या सोचता। समीर जश्न शुरू होने वाला है, मजा मत खराब करो। ठीक है बोलो अपने दिल की बात, मैं सुनूंगी। क्या कहना चाहते थे तुम? मैं अब यही कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो। अच्छा बैठे रहो फिर, शादी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कोई तो होगा जो मुझे प्यार के काबिल समझेगा। और आज अगर उसने मेरा हाथ बाबा से मांग लिया ना, तो फिर तुम देखते रहना खट्टे निम्बुड़े। निमुड़ा 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 निमुड़ा
दोनों सॉन्ग आए, पहला सॉन्ग जो था वो बहुत ही प्यारा था और इसमें जो ऐश्वर्या मैम है और सलमान सर हैं दोनों के लुक्स बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे, काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे, मतलब बहुत प्यारी जोड़ी लग रही थी उनकी, सही है ना? बात है और बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। जिस तरह से मैंने पार्ट के अंदर भी कहा, एक को देखो तो लगता है मतलब इसी को ही देखते रहो, कैमरा इधर ही रुक जाए, दूसरे पे आए तो करता है कि मतलब इसको पहले दिखाना चाहिए। हाँ। था बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लुक्स थे इस पार्ट में सलमान सर और ऐश्वर्या मैम के। अच्छा बीच में जो वो सीन आ जाए जिसमें उन्होंने थप्पड़ मार दिया यार, वो बड़ा गलत किया, मतलब वो मतलब सही नहीं किया, वो दरवाजा बंद करके बेचारा रो रहा है बैठा, सही बात है, वो बात उन्होंने मतलब बहुत ही बुरा मतलब वो लग रहा है उस चीज के लिए स्टोरी वाइज। और मतलब जिस तरह से मतलब एंड पे मतलब अजय सर की भी एंट्री हो रखी थी, वो भी मतलब आ गया मूवी में, तो मतलब वो तो ऐसे स्टैचू बन के देख रहे थे, देखते रह गए बस, ऐसे ही उनकी नजरें इधर उधर हो ही नहीं जाते, ऐसे करके खड़े ना तो ऐसे करके खड़े हैं, फिर उधर ही रुक के मतलब उनको और कुछ सोच ही नहीं रहा था, अच्छा लग भी प्यारे लगे हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। और भाई ऐश्वर्या मैम जो है ना, उनके जो एंड पे लुक थे निमोड़ा सॉन्ग के अंदर, तो वो बड़े मतलब प्यारे लुक थे, और जो उन्होंने ड्रेस रखा था जिस कलर में, तो वो बहुत ही ज्यादा सूट करा था, उनको बहुत प्यारा लग रहा था। तो व्यूअर बाकी आपने बताने, आपको ये पार्ट हमारे साथ देखकर कैसा लगा? तो मिलते हैं आपसे इस मूवी के पार्ट नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए आपने बहुत सारा ख्याल रखा।